तो हम यहाँ पर हैं अभी, आप देख सकते हैं बाहर हूँ मैं, धूप अच्छी निकल रही है। और आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ या उसके साथ खिलवाड़ करने वाला हूँ, जो भी मैं नॉर्मली करता हूँ। तो आज मेरे पास क्या है, मैंने रखा हुआ पॉकेट में, आज मेरे पास है फन स्नैप कैप्चर 3 एक्सिस गिम्बल। तो इस गिम्बल को देखेंगे आखिरकार गिम्बल की ज़रूरत क्यों होती है। तो कैमरामैन आप कैमरे के साथ चलाते रहो मेरे, तो गिम्बल की ज़रूरत हमें क्यों होती है? क्या ऐसा होता है कि मेरी तरह जैसे कई लोगों का हाथ बहुत शेकी होता है, मतलब वो जब कैमरा चलाते हैं तो उनका हाथ बहुत शेक करता है, ऐसे हिलता है, जिसकी वजह से जो वीडियो होती है वो काफ़ी शेक करती है, उसको रोकने के लिए इस तरह का एक यंत्र इस्तेमाल किया जाता है जिसे गिम्बल कहते हैं। इसमें अलग अलग तरह के गिम्बल आते हैं, ये बहुत ही किफ़ायती गिम्बल है। इसका जो प्राइस है 4900 मेरे ख्याल से है, अगर आपको डिस्काउंट में मिल जाए तो अलग बात है, 5000 में तो आपको ये मिल ही जाएगा, फन स्नैप 3 एक्सिस कैप्चर गिम्बल। ठीक है, तो आज हम इसको चेक करेंगे कि आखिरकार ये कैसे काम करता है। और पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो फ्रंट कैमरा से बनाऊंगा अपने Redmi Note 5 Pro। बहुत ही नॉर्मल सा फ़ोन इसलिए लिया मैंने क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, चल रहा है आजकल ये फ़ोन। तो इस फ़ोन से, इसके फ्रंट कैमरा से हम रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि बिना गिम्बल के कैसे, हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है, बट फिर भी हम ये देखेंगे कि गिम्बल के साथ क्या रिजल्ट मिलता है और बिना गिम्बल के हमें कैसी वीडियो देखने को मिलती है। तो आइए मैं शूट करूँ अपनी एक वीडियो बिना गिम्बल के। तो इस गिम्बल को अभी हम डालते हैं पॉकेट में या इसको नीचे रख देते हैं और अभी हम बिना गिम्बल के एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और चलेंगे हम। ठीक है, रिकॉर्ड करते वक्त चलेंगे, तो वीडियो मोड में लगाया हमने। ओके, अभी आप कैमरामैन मेरे साथ आइए। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये शेक हो रही होगी और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे मैं नॉर्मल व्लॉग्स बनाता हूँ, ये बन रही है मेरे नॉर्मल हाथ में पकड़ के, मतलब शेक हो रहा है। तो अभी मैं अगर थोड़ा तेज चलूँ, ऐसे थोड़ा तेज चलूँ एकदम, तो देख सकते हो आप ये शेक कर रहा है, कर रहा है लेकिन अब गिम्बल लगाएंगे तो नहीं करेगा। ठीक है, तो यही, इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है, अब मैं दौड़ता हूँ थोड़ा, तो मैं पीछे जाता हूँ यहाँ और मैं थोड़ा दौड़ता हूँ। तो ये दौड़ते वक्त तो ये पूरा ये हवा हवाई बन गया। तो अब हम इस वीडियो को, जो ये मैंने वीडियो बनाई है चलते वक्त, इसको हम गिम्बल से रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि गिम्बल हमें क्या रिजल्ट देता है। तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये गिम्बल से रिकॉर्ड हो रही है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये शेक हो रही है या नहीं हो रही। जैसे मैं नॉर्मली अपने हाथ से लेकर चल रहा था, ऐसे ही बिल्कुल मैं सेम इस कबाड़ी वाला है, प्लीज़ उसको इग्नोर करो, तो वैसे ही मैं अपने गिम्बल को लेकर चल रहा हूँ। लेकिन आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि इस गिम्बल से बिल्कुल भी शेक्स नहीं आ रहे। ठीक है, मैं बिल्कुल ग्राउंड में घूम रहा हूँ और एकदम मेरा हाथ बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा दौड़ भी लेता हूँ तो दौड़ते हुए भी आप देखेंगे कि बिल्कुल भी शेक नहीं है। और यही खास बात होती है एक गिम्बल की। अब मैं यहाँ से दौड़ूंगा वहां तक, बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं भी कोई भी शेक नहीं है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं ब्लॉग कर सकता हूँ। तो मेरे जो टूल्स में ये एक गिम्बल भी शामिल हो गया है। तो ये गिम्बल आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, क्या आपको इसके रिजल्ट पसंद आए, नहीं आए, आए ही होंगे क्योंकि मैं खुद देख पा रहा हूँ कि बहुत स्टेबलाइज कर देता है वीडियो को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हो तो क्या कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गिम्बल देख लो एक और बार, ठीक है, देख लो एक बार। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन चेक करें, एथिकल हैकिंग कोर्स है 299 रुपीज़ का, नेक्स्ट कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अगर चाहो तो आप लोग भी खरीद सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।